एक मिनट कितने हो गए? छः हो गए। यहाँ पे एक मैसेज डाल दो, म्यूट की म्यूट योर माउथ। पता नहीं वो लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, मेरी स्क्रीन जान लोगों का आवाज आ रही है। हेलो चिराग, सौरभ, मोहित, आवाज आ रही है? ठीक है ठीक है। एक काम करो, सब लोग अपना ना माइक म्यूट म्यूट कर देना, ठीक है? और कैमरा भी बंद कर दो, और कैमरा भी बंद कर दो, ठीक है? एक दो मिनट वो वेट करते हैं, और लोग आ जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यार सारा क्यों नहीं, सारा बुढ़े में आ रही, सारा सारा यार अभी ये लोग ज्वाइन कैसे करेंगे? कौन लोग? सारा को दे दिया? अरे सारा को नहीं, नंबर दोनों कॉल ही कर देते हैं। सारा को और जो बच्चों को बोलना पड़ेगा। मोहित शेखावत सेकंड ईयर में डाल ही दिया था यार, कितना ये मोहित शेखावत कौन है? कोई भी अच्छी बात आ रहा है। मैं मेहुल मेहुल हूं, मोहित भैया का आईडी है। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हां सर, जो था शेयर kindly log in with your ID so that we can identify your name. Everybody please mute your mic and video also. Harish Khatik, mute your mic.
क्या क्या लॉकडाउन है, कैसे भी पड़ेगा। एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस मैम। पवन सुथार, और क्या क्या आप लोगों ने लॉकडाउन में, अमित जिंगर, चिराग गौतम, हु इज दिस डीजी बैड बॉय, डीजी बैड बॉय कौन है ये बच्चा? ये एक ऑनलाइन क्लासेस का भी दीपक कुमावत। तो आप मेरी बात सुनो, आप लोग जब भी लॉग इन करते हो तो प्लीज अपने इस तरह के नेम्स है ना व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक रखो, ये ऑफिशियल काम है ना, तो इसमें आप अपनी नेम से ही लॉग इन करोगे तो हमें इजी रहेगा आप लोगों की अटेंडेंस मार्क करने के लिए। समझ आया दीपक कुमावत? कैसे रही छुट्टियां हैं दीपक कुमावत? जोरदार। कितने परसेंटेज बने दीपक? दीपक कितने परसेंटेज बने? चिराग उनको टाइम लगेगा। कितने परसेंट बने? 82.59। Congrats my boy। बिना एग्जाम है ना, किस बेसिस पे मिले हैं? अब ये क्या आप जैसे लोगों को ही थोड़ा सा लगता है कि एग्जाम होता अब फिर हम परसेंटेज लाते 82% अच्छा लगता, अब सभी को मिलते हैं परसेंटेज तो हाईएस्ट किसके? मैम सॉरी पर आपके थोड़ी नॉइस आ रही है। थोड़ी नॉइस आ रही है? हाँ। अब यार ये मैं कॉलेज में बैठी हूँ, आप लोग अपने अपने घर बैठे हो, यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है पता है आपको, है ना? हाँ तो बस वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, फिर आप क्या बोलना चाह रहे हो? अरे तो इतना तो समझ आ रहा होगा कि मैं तुम्हारी परसेंटेज के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ वो तो बताया पर नहीं, नो नीड टू से सॉरी अगेन एंड अगेन। मैं कोई अभी ऐसा लेक्चर तो ले नहीं रही हूँ, जस्ट डेमो क्लास है तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सौरभ मेहता, सौरभ मेहता व्हाट्सएप क्या चल रहा है? कितने परसेंट बने? 75.48। गजब, इतनी तो सोचा भी नहीं होगा कि 75% बन जाएंगे, है ना? और लॉकडाउन में, लॉकडाउन तो तेरे फोन पे लग जाता तो अच्छा रहता, तूने कितने परेशान किया मेरे को, मैडम ये मैडम वो। मैंने नहीं किया, हर्षित ने किया था। अच्छा हर्षित ने किया था, मेरे पास तो सौरभ मेहता नाम से है चैट। अच्छा कॉन्फ्रेंस पे लेता था। ये रघुवीर शर्मा कौन है? रघुवीर शर्मा। दीपक सुथार। दीपक सुथार यस मैम। नाउ प्रिंसिपल सर विल टॉक टू यू, ओके सो प्लीज म्यूट योर माइक एंड कैमरा आल्सो। प्रिंसिपल सर आपसे बात कर रही है ना? हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हियर मी, आप सुन रहे हो मेरे को? सुन सकते हो आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ तो ऐसा है, मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अब से हमारे यहाँ पे सब ऑनलाइन क्लासेस लगेगी आप लोगों की, है ना? तो आप सब लोग को इस क्लासेस को अटेंड करना बहुत जरूरी है। एक दिन पहले हम जो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नेक्स्ट डे का आने वाले दिन का पूरा टाइम टेबल भेज देंगे और उसके बाद हम आपके क्लासेस लेंगे और यही क्लासेस में आपकी अटेंडेंस भी इसके अंदर नोट की जाएगी और इसी आधार पर आपको आगे परीक्षा में बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा, है ना? तो वैसे तो आपकी क्लासेस 1 अगस्त से शुरू हो गई है लेकिन अब आगे पूरे अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर लगातार आपको ये क्लासेस होती रहेगी, तो आपको क्लासेस अटेंड करना बहुत ज़रूरी है।
क्लासेस आप कहीं से भी अटेंड कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी, आपके जितने भी अभी जितने भी बच्चों ने लॉग इन किया हुआ है या जो बच्चे इसमें हैं, वो अपने सब साथियों को बोलेंगे कि करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो क्या करें, अपनी जो या मैडम है अपने डिपार्टमेंट की, जो भी मैडम या जो भी आपकी जो इंचार्ज हैं आपके डिपार्टमेंट के, उन सब से आप कॉन्टेक्ट में रहें, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब बच्चे मिल के रहें ताकि आपकी क्लासेस होती रहे। पूरे राजस्थान में यही क्लासेस चल रही है, ई क्लासेस चल रही है, तो ई क्लासेस को अभी अपन को रेगुलर बनाना है। आपकी अटेंडेंस इसमें ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है, तो उस अटेंडेंस की वजह से आप जब तक इसमें अटेंड करेंगे तभी आपको अटेंडेंस मिलेगी। और हम आपको अभी लेक्चर बताएंगे, फिर आपको यूट्यूब पे भी लिंक भेजेंगे, यूट्यूब पे जो भी अपलोड है हमारे उसका भी लिंक भेजेंगे ताकि आप उसको क्लासेस को यूट्यूब पे आप मोबाइल में डाउनलोड करके देख सकते हो, और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं आपको वो अपने टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो। इस तरह से ये सारी क्लासेस इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी उस तरह से क्लासेस, इसलिए आपको ये अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग रेगुलर इसके अंदर क्लासेस ज्वाइन करें, अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। इस बार तो आपको आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन अगली बार आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें जब तक कि आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं होगी इसके अंदर। तो मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, आप जितने लोग अभी लॉग इन किए हुए हैं उसके अलावा भी जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सबको बता देना है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें ये क्लासेस अटेंड करनी है, और इसके अंदर ऑटोमेटिक वो जो अटेंडेंस भी होती है आपको असाइनमेंट में दिए जाएंगे, आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे, इसलिए अब सब ऑनलाइन ही होगा, इसलिए आप ऑनलाइन से यूज्ड हो जाएं, इसको समझ लें किस तरह से करना है, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने जो भी प्रभारी टीचर है उनसे आप मिल लें, उनसे बात करें, व्हाट्सएप पे आपको बात करें, वैसे कॉलिंग करें किस तरह से, जो मैडम है तो मैडम से या सर है तो सर से, कि किस तरह से हम इसके अंदर लॉग इन कर सकते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, और आपको हमारे उदयपुर GPC चैनल पे, YouTube चैनल पे या TTSA LRDC के चैनल पे जो भी लेक्चर्स हैं वो भी आपको फ्री में उपलब्ध है, उनके लिंक आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम डाल के सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। उसको पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई शंका होती है, कोई क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो आप अपने टीचर को बोल सकते हो या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, तो जब टीचर नेक्स्ट क्लास में आएंगे समझा देंगे आपको, है ना। आप सब लोग सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ, तो आप लोग सुनते रहें बेटा, और अपने जो भी साथी है उन सबको भी बोलो कि ये क्लासेस बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से आपको पिछली बार पास किया गया इस बार नहीं करेंगे, इस बार एग्ज़ाम लेके करेंगे, चाहे एग्ज़ाम किसी भी तरह का होगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे कैसा भी हो, तो इस बार तो क्या, अभी तो पिछली बार तो आपको सबको आगे प्रमोट कर दिया, लेकिन अभी आपको थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के अंदर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इवन टेस्ट भी देने पड़ेंगे। आज मेरे पास नया कैलेंडर आया है, उसके अंदर आपके टेस्ट की तारीख वगैरह सब दी हुई है, मतलब सितंबर में टेस्ट है आपका, पहला टेस्ट सितंबर अक्टूबर में, तो आप लोग इससे तैयारी करें, और अपने जो भी टीचर हैं उनसे जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे पहले बात करें। जब तक आप समाज नहीं करेंगे, आप घर पे बैठे रहेंगे, हम या कॉलेज में बैठे रहेंगे, तो काम नहीं चलेगा ऐसा, क्योंकि सारे राजस्थान में क्लासेस लग रही है, इसलिए आप प्लीज़ सब लोग मिलके अपनी क्लासेस अटेंड करें, और अपने साथियों से बोले कि अटेंड करें क्लासेस, और आपको कोई भी शंका वगैरह है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपके टीचर ने बना रखे हैं उन टीचर से आप बात करें, वो आपकी जरूर समस्या सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपको और दिक्कत आती है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं कि सर हमें यह दिक्कत आ रही है, तो हम उसको पूरे करने की कोशिश करेंगे। और आपको उसमें एक और फ़ायदा होगा, जो हमारे यहाँ कोई अगर लेक्चर नहीं है तो अगर आप इस तरह से पूरी क्लासेस बनी रहेगी तो हमारे जो आसपास के कॉलेज है जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं दूसरे, तो वो भी आपकी क्लास ले लेंगे, वो भी आपको ऐड कर लेंगे, तो इसलिए आपकी बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे फिर वापस से एक अनुरोध कर रहा हूँ मैं आप सब बच्चों से कि आप सब लोग कृपया अपने टीचर्स के साथ मिल के बात करें, है ना। इसलिए सब आप लोग अटेंड करें इसे रेगुलर, आपको एक दिन पहले हम बता दिया जाएगा, और अगर हम लिंक नहीं भी भेजते हैं तो आप हमें फ़ोन कर लें टीचर को, सर हमारी क्लास कल होगी कि नहीं होगी, तो टीचर भी अलर्ट हो जाएंगे कि हमें ये क्लास करनी है कि नहीं करनी है। हाँ, ये नया कैलेंडर भी आ गया आपने पूरा बोर्ड का, कि आपके कब कब टेस्ट होंगे, जैसे मैंने बताया आपको कि इसके अंदर आपके जो ये नवंबर के अंदर आपका टेस्ट होगा, और बाकी सब चीज़ें होंगी इसके अंदर, है ना, टेस्ट होगा, ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग का वायवा होगा, और फिर एग्ज़ाम होंगे, और 75% अटेंडेंस इसमें भी ज़रूरी है, इसलिए आप एक बार क्लासेस अटेंड करो, आप क्लासेस
अटेंड करोगे और अपने टीचर से अगर आपका संवाद बराबर बना रहेगा तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप अगर अलग बैठे रहोगे हम अलग बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू। और किसी को हेलो तो और कोई आपका क्वेश्चन है? यहाँ पे अभी टांग सर हैं, सुनीता मैडम है, प्रिंसिपल सर हैं, और भी कोई क्वेश्चन है तो टांग सर आपसे बात कर रहे हैं ना। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट को जो सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में आ गए हैं, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आ रही है। थर्ड ईयर मैकेनिकल से हैं? चलो ठीक है, सेकंड ईयर मैकेनिकल से। यस ठीक है ना। तो मैं कहना चाह रहा था कि अब इस साल हो सकता है कि सारी क्लासें ही अपन को इसी तरह ऑनलाइन लेनी पड़ेगी, तो आप लोगों को इसके लिए जो भी अपना सिस्टम है वो डेवलप करना पड़ेगा। और जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में का आप ऐड हुए हो ना सारे? यस सर। तो अपने लिए मैंने एक आध बुक का भी वो जैसे ई बुक भेजी थी, तो आप लोग उससे अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। और जो सेकंड ईयर में जो भी आए, तो मैकेनिकल वन ऑफ द टफेस्ट ब्रांच है ना। इस बार थोड़ा सा रहा कि सेकंड ईयर के बच्चे चलो कैसे भी हो गए थर्ड ईयर में आ गए, लेकिन 10 सब्जेक्ट हैं और उसके लिए हम लोगों को मतलब हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, सुन रहे हो आप लोग? यस सर। तो सबसे पहले तो सर, हाँ बोलो, कोई किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछ। हाँ बोलिए। ब्रांच चेंज करनी होगी ना? ब्रांच चेंज का अलग, एक्चुअली उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं है ना, तो अगर उसका फॉलो करते हो वो स्टूडेंट सेक्शन में मैडम को ध्यान। हाँ सर, सिविल इसमें। हाँ ठीक है ना, आप सुनीता मैम से आप बात कर सकते हो उसके लिए, तो कुछ नियम बने हैं तो अगर होना होगा तो, अगर उसमें आप क्राइटेरिया में आ रहे हो ना तो हो जाएगी उसमें। ठीक है, सेकेंड ईयर मैकेनिकल के लिए बता देता हूँ कि 10 सब्जेक्ट हैं आपके सेकेंड ईयर में, 201 से लेके 210 तक आप लोग, और सबकी कोड बुक बनी हुई है, तो मैं ऑनलाइन मटेरियल तो भेजता रहूँगा और इस तरह हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले लेंगे, लेकिन आपके पास एक बेसिक बुक तो होनी चाहिए सबके पास, जिससे कि आप, और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे से बात भी कर सकता है फ़ोन पे, है ना। हेलो सर, अभी तो सर, हेलो, हाँ हेलो, हाँ बोलिए सर। अभी बुक्स नहीं है तो, अभी बुक्स नहीं है तो सर ऑनलाइन जो आपने पहले क्लास डाली हुई यूट्यूब पे वो देख के कर सकते हैं ना थोड़ा? वो ठीक है, वो उसमें कई बार है ना इतना, उसमें भी आप देख लेना। उसके अलावा भी मैं अभी जैसे अपना व्हाट्सएप ग्रुप है ना, तो उसमें कुछ नोट्स वगैरह डालूंगा उसमें, है ना, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी साउंड वगैरह की नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग, है ना। तो हम लोग इम्प्रूव करेंगे इस बार, और जैसे ये क्लास जो गूगल मीट के थ्रू हो रही है उसमें हम लोग काफ़ी डिस्कस कर सकते हैं, एक्चुअल क्लास के आसपास अपन लोग वैसे कुछ माहौल बना सकते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक सबके लिए और पढ़ाई शुरू कर दो, है ना, थैंक यू। अब रवि सर आपसे बात करेंगे ना, इलेक्ट्रिकल। हाँ ठीक है, वहाँ से थोड़ी बता रहे गुड आफ्टरनून टू ऑल। हेलो गुड आफ्टरनून सर। कितने लोग पहले तो आप सभी को बधाई हो, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है। किसी किस किस को एक्चुअली लगता है कि उनकी जो परसेंटेज बनी है वो ऑनेस्टली बनी है? किसी को लगता है या उम्मीद से ज़्यादा? चलो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है, अब सीरियस हो जाइए थोड़ा, ज़रूरी नहीं है कि हर इस साल भी प्रमोट कर दें। तो जो भी क्लासेज या तो ई लेक्चर की फॉर्म में या फिर ई क्लासेज की फॉर्म में अवेलेबल है,
जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो यूट्यूब से देख लीजिए। यूट्यूब से पॉलिटेक्निक कॉलेज अपना उदयपुर का भी है, इसके अलावा सारे कॉलेज से वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिए। अपने मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का कोई स्टाफ अवेलेबल नहीं है तो वो अदर चैनल पे वीडियोज अवेलेबल है। तो ईमानदारी से क्लासेज अटेंड कीजिए, सारी अटेंडेंस होगी उसी के अकॉर्डिंग एनालिसिस होगा आप लोगों का, है ना। तो ऑनेस्टी रखिए थोड़ा सा। यस सर, जल्दी टाइम टेबल अपलोड कर देंगे। हाँ बोलो। सर ऐसे बोल रहा हूँ मैं कि ना फर्स्ट ईयर जैसे क्लियर हो गया तो ना वो सारे प्रैक्टिकल वगैरह सारे देना जरूरी है और फिर चलेगा वो प्रैक्टिकल वगैरह तो आप तैयार, वो रिकॉर्ड वगैरह तो तैयार रखिए ना, कभी भी ले लेंगे जब भी फिजिकली हम इम्पोर्टेंट बात क्योंकि ना वो करना बहुत सारा। तो क्या बोल रहे हो सर, अगर इम्पोर्टेंट नहीं हो तो बता दो, ऐसे इम्पोर्टेंट हो तो फिर सारा वो बहुत ना करना है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्यों मांगते हैं? इम्पोर्टेंट तो है ही है, इम्पोर्टेंट तो इसके मार्क्स ही तो जुड़े हैं आप लोगों के प्रैक्टिकल के, तो इम्पोर्टेंट तो है ही है, तो इम्पोर्टेंट तो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लासेज अभी बस हो गई, कल से ही टाइम टेबल अपलोड कर देंगे, चालू हो जाएंगी। गूगल मीट पे? हाँ इसी पे गूगल मीट पे होंगी सारी क्लासेज। और कोई डाउट? नो सर। सारी क्लासेज अटेंड कीजिए ना। हाँ सर, कल से कैलेंडर है ना सर, टाइम टेबल अपलोड कर देंगे, वो तो बता देंगे, सबको इन्फॉर्म कर देंगे, ग्रुप पे डाल देंगे। क्या इलेक्ट्रिकल का सिलेबस क्या है सर, पता नहीं हमें कितने कौन कौन से ग्रुप है, क्या क्या सब्जेक्ट है, वो सब चीज़ें बता देंगे। तुम तो बस जब तुम्हें पता चले कि क्लास अटेंड हो, क्लास हो रही है तो उसको अटेंड कर लो बस, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे क्लास की तरह ही, लेकिन क्लास अटेंड करो, ऐसे नहीं कि दो जने आ गए एक जना आ गया, है ना सर। क्लासेज तो अलग अलग होगी ना? हाँ क्लासेज अलग अलग होंगी, कंबाइंड क्लास कैसे होगी? सब्जेक्ट अलग अलग, सब्जेक्ट अलग अलग है ना, मैं इलेक्ट्रिकल की लूँगा। हाँ सर, हाँ 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 ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। नहीं नहीं रुको रुको, कोठारी सर आ रहे हैं अभी, वो बात करेंगे आपसे। अच्छा कंप्यूटर की फाइल्स वगैरह सबमिट कर दी सब लोगों ने? सर सबमिट नहीं है सर, कंप्लीट है फाइल पूरी, कंप्लीट है ना, सबमिट करा दी वेरी गुड। हाँ नहीं ऑलमोस्ट सबके आ गए हैं, कुछ फाइल बची हुई है तो वो मैं ले लूँगा ना, तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग फिजिकली यहाँ पे आएंगे तो फाइल लेके आएंगे ना। यस सर। अच्छा उसके अलावा अभी सर, यस सर, अभी अभी कुछ चेंजेस भी आपके हुए हैं इसमें सिलेबस में, है ना, वो भी आप नोटिस करना। नहीं नहीं सेकंड ईयर में तो वही है, सेकंड ईयर का तो वही है, नहीं सेकंड ईयर में कोई चेंज नहीं है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कोई चेंज नहीं है। थैंक यू सर। एक दो मिनट रुकते हैं, अभी कोठारी साहब से बात करेंगे। क्या किया आप लोगों ने लॉकडाउन में 3 महीने 4 महीने? सब घर में रहे बिल्कुल। चलो घर पे सब ठीक तो है? हाँ सर सब ठीक है। चलो ठीक ही रहना और बिना मास्क के बाहर बस सर, आस पड़ोस में कोरोना है सर बस। हाँ तो बस बाहर निकलना ही नहीं हमने, इसलिए तो ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस, इसलिए तो ऑनलाइन ले रहे हैं क्लासेस। अजमेर में तो कूबे सर, अजमेर में तो कूबे सर चल रहे हैं। हाँ अजमेर में कूबे, अजमेर में कौन है सर? मेहुल, मेहुल सिंह, मैं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, कोठारी सर अभी कहीं बिजी हैं तो वो नहीं आ पा रहे हैं, और आपको कुछ पूछना है तो बोलो सर। ये क्लासों का कैसे पता चलेगा मैकेनिकल की आज तो मतलब एक दिन पहले आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देंगे टाइम टेबल, एक दिन पहले आप लोगों को टाइम टेबल मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके ओके सर। अभी आप सब लोग कंबाइन एक साथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल तीनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं, आपको ब्रांच वाइज अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है? और आपके सारे
नोटिफिकेशंस, चाहे वो क्लासेस अटेंड करने के हो, ऑनलाइन क्लास के हो, चाहे आपके नोट्स हो या असाइनमेंट हो या क्लास टेस्ट हो, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको उस ग्रुप पे दी जाएगी. ठीक है, तो अभी जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों की हरकतें थी, नंबर चेंज हो गया तो ग्रुप छोड़ दिया, फिर बोल रहे हैं मैडम ग्रुप ज्वाइन करा दो, ऐसे नहीं चलेगा. ठीक है, क्योंकि ये साल आपका पूरा ऑनलाइन रहने वाला है, तो आप ये मान के चलो सारे के सारे काम ऑनलाइन ही होंगे. और ये जो अटेंडेंस है ना, ये तुम्हारे नाम के अकॉर्डिंग ही अटेंडेंस मार्क होगी. तो जिसने ये डीजी बॉय लिखा हुआ है वो डीजी बॉय रह जाएगा. ठीक है, और ये रघुवीर शर्मा हमारी क्लास में, हमारे फर्स्ट ईयर में कोई भी रघुवीर शर्मा नहीं है. तो आप लोग ध्यान रखें, अपने नाम से ही लॉग इन करें, क्योंकि हमारे पास अटेंडेंस के लिए सिर्फ यही एक मेथड है जो भी क्लासेस में आप. ओके मैम. और ये जो क्लास का लिंक है, ये अपने किसी भी और दूसरे अपने क्लासमेट से शेयर करो आप, बाकी और कहीं बाहर आपको शेयर नहीं करना है. यस मैम. हाँ, ग्रुप में तो हम लोग शेयर कर ही देंगे आपको, बाकी आपको किसी और के साथ शेयर नहीं करना है. ठीक है. यस मैम. यस मैम. किसी का गलत, हाँ, कोई भी गलत ज्वाइन करता है क्लास, मींस जो स्टूडेंट नहीं है और वो भी ज्वाइन करता है, तो वो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. कुछ भी मिसबिहेव अगर ऑनलाइन एंड ऑनलाइन क्लास का अगर कुछ भी मिसबिहेव होता है ऑनलाइन क्लास में, तो उसके लिए आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं. ड्यूरिंग क्लास जब तक आपको कहा ना जाए, माइक और कैमरा ऑफ रखेंगे आप. ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप आप या तो चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और नहीं तो क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं. ठीक है, बीच बीच में कैमरा ऑन करके सबको अपनी शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है, सब देख चुके हैं, साल भर में बहुत धाप गए देख देख के तुम्हारी शक्ल. ठीक है, ना तो टीचर की देखनी है तुम्हें, ना स्टूडेंट की देखनी है. जो पढ़ा रहे हैं उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है. ठीक है. यस मैम. यस मैम. तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो आपको ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ध्यान रखनी है. पहली चीज कि जो ग्रुप में लिंक शेयर किया जाएगा उसे कहीं बाहर शेयर नहीं करना है. दूसरा, हमें ये भी पता रहेगा कि आपने कब क्लास बीच में ही छोड़ दिया है. ठीक है, अभी अभी सौरभ मेहता ने क्लास छोड़ी है, वो हमें पता चल गया है. उस नहीं, सारा 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 ने छोड़ी थी क्लास. ठीक है, तो आप कब से कब तक ऑनलाइन है हमारे साथ क्लास में, ये भी हमें पता चल जाएगा. तो आप ये ना सोचें कि हमने बस ठीक है ऑन कर दिया और क्लास चल रही है, बच्चे सुन रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा. क्योंकि ये पूरा साल आपका ऑनलाइन रहने वाला है, तो जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है आपको इसी के थ्रू इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन ही इन्फॉर्मेशन है. तो बी सिंसियर, मेंटेन डेकोरम और लर्न थ्रू ऑनलाइन. ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से ही लर्न करना है आपको. आपके असाइनमेंट्स, आपके अटेंडेंस, आपके क्लास टेस्ट, जो सब कुछ, जो भी सब कुछ है, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है, वो सब कुछ हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे ही शेयर करेंगे. इसके अलावा जो वीडियोस है यूट्यूब के, जो टीटीसी जोधपुर और कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है जीपीसी उदयपुर नाम से, उस पर आप और देख सकते हो. लॉकडाउन में आप लोगों ने आराम किया है, आपके टीचर्स ने बहुत दिल लगा के काम किया है, आप लोगों के लिए वीडियो लेक्चर्स बनाए. आप लोगों से तो इतना ही नहीं हुआ कि आप लोग अपने कम से कम प्रैक्टिकल फाइल्स तो कंप्लीट कर देते. कहाँ है ये विनय चरण, छोड़ दिया इसने ऑनलाइन क्लास, छोड़ दी क्या इसने? क्या पूछ रहा था कि मैडम फाइल लेनी है क्या? कहाँ है विनय चरण? चला गया. क्या पूछ रहा था कि सर फाइल लेनी है क्या? फाइल्स आपको सबमिट ही करनी है. जब भी आपको फिजिकली कॉलेज में अलाउ हो जाएगा कि आपको क्लास में कॉलेज में आना है, तभी ये मान के चलो कि आपको कॉलेज में फाइल सबमिट करके ही क्लास में एंट्री मिलेगी. ऑनलाइन तो ठीक है, चल रहा है जैसा चल रहा है. सेकेंड ईयर में आपको तभी माना जाएगा जब तक आपकी पिछली फाइल्स नहीं आएगी. आपका रिजल्ट आ गया, 80% बन गया, 60% बन गया, मतलब बहुत तीर मार लिया आपने. आप सोच रहे हो अब हमें कुछ फाइल्स वाइल्स देने की जरूरत नहीं है. कहाँ ये पवन सुधार, इसको बोला था ना मैंने, ये आया था जब. पवन सुधार, पवन सुधार बोला था ना मैंने आपको कि सब लोगों को इन्फॉर्म करना, फाइल्स जरूर बनानी है और सबमिट करनी है. मैसेज तो नहीं डाला तुमने ग्रुप में? अच्छा, अब जब ऑनलाइन क्लास है तो सबकी तरफ गड़बड़ हो गया. 3 महीने कुछ नहीं हुआ.
चलो ठीक है, दिस इज इनफ फॉर टुडे सेशन. हम लोगों ने आपको बेसिक गाइडलाइंस बता दिए ऑनलाइन क्लासेस की. अब कल से जो भी शेड्यूल होगा वो आपको पहले मैसेज कर दिया जाएगा, आपको लिंक भी दे दिया जाएगा ग्रुप पे, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है? ओके, यस सर, यस सर. ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑनलाइन क्लासेस. थैंक यू सर. ठीक है, आप लोग मीटिंग लीव कर सकते हैं ना. ओके, ऑल द बेस्ट.